तो हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने टाइटल पे देखा होगा कि वार मूवी का रिव्यू एंड अनबॉक्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहे, बीच में स्किप ना करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वार मूवी कैसा था, वो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहे, बीच में स्किप ना करिए। चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं मूवी की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास बाइक और इस बाइक से मैं जाने वाला हूँ वार मूवी के तरफ, सिनेमा हॉल के तरफ। फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। इसी बाइक से मैं जाने वाला हूँ फिल्म देखने, वार मूवी देखने, सिनेमा हॉल की तरफ, वार मूवी की तरफ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे, बीच में स्किप ना करें। आज आपको पता चल जाएगा कि कैसा है वार मूवी। रस चले ना। The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. फाइनली हम सिनेमा हॉल में पहुंच चुके हैं। यही है हमारा सिनेमा हॉल और इसी में आज हम जाएंगे वार मूवी देखने। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे, स्किप ना करें। तो फ्रेंड्स, कैसा था वार मूवी? जब हम बात करते हैं वार मूवी का, तो बहुत ही एक्साइटिंग मूवी था, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी था। फ्रेंड्स, वार मूवी बहुत अच्छा था, आप भी जाकर देख लो फ्रेंड्स। और वार मूवी के एक्टर का बात करें तो एक्टर भी बहुत मस्त था। टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन वर्सेस ऋतिक रोशन था फ्रेंड्स। और वार का शूटिंग तो इराक में हुआ था, तो इराक तो हम जा ही नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर हमने सोचा कि यहाँ पर आकर वीडियो बना लेते हैं, आपको अनबॉक्स दे देते हैं, रिव्यू कर देते हैं कि वार मूवी कैसा था। तो बहुत ही अच्छा था। मैं जब फिल्म देखने गया तो लग रहा था कि फिल्म कैसा होगा। ट्रेलर भी देखा था तो अच्छा लग रहा था ट्रेलर, और ट्रेलर से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा था वार मूवी। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप अगर नहीं देखे हो वार मूवी, नहीं देखने गए, तो आप अभी देख सकते हो। फ्रेंड्स, वार मूवी बहुत ही एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग था। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप भी देखो। यहाँ पर हम अंत में जो बात करें उसके गाड़ी का, उसके व्हीकल्स का, तो व्हीकल्स बब्बाल थे फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया बाइक था, BMW का लेटेस्ट वर्जन वाला बाइक था फ्रेंड्स। बहुत ही बढ़िया बाइक था, बहुत स्पीड होता था उसमें। टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन के पास, दोनों के पास BMW का बाइक था। और वहाँ पर कुछ ट्रक एक्सीडेंट, वहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था, वहीं पर कुछ बाइक मिला था और वो बाइक बहुत ही अच्छा था। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम उसके कार के बात करें अंत में, तो कार भी बहुत बढ़िया था। वो लगभग उस मूवी में वो लोग, मुझे लगता है कि 300 का स्पीड चलाया हुआ था वो। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों ने मिली। रॉकेट जब ब्लास्ट हुआ तो वहीं से वो दोनों भागे थे कार लेकर, तो वो कार बहुत अच्छा था। और एक था ब्लैक कलर और एक पीला सा ऑरेंज कलर मिक्स ऐसा ही कुछ था। तो फ्रेंड्स मूवी काफ़ी एक्साइटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग था। फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि आप भी देखने जाओ। और फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगे वो कमेंट कर देना। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल ऑल टेक मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। हमारे चैनल से वीडियो जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप हासिल कर पाओ और देख पाओ। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।